ऑल राइट, सो आज हम लोग जाने वाले हैं MT-15 की सर्विसिंग कराने। चालू करते हैं बाइक को और इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं पहले। नाइस। सो सर्विसिंग तो हो गई, नंबर प्लेट भी लग गया यार, लेकिन वॉश मज़ा नहीं आया यार। वॉश में अभी भी रिम पे दाग हैं, उन लोगों ने पोछा नहीं अच्छे से। वॉश करके कपड़ा तक नहीं मारा उसने सुखाने के लिए। गाड़ी का चेकअप वेकअप भी किया गया अच्छे से कंप्यूटर में लगा के। स्टार्टिंग में ये 2000 RPM पे रहता है, बाद में इसकी RPM कम होती है जब इंजन वापस गर्म होता है। इसमें भी बटन दबा के रखना पड़ता है। अभी भी गेयरबॉक्स हार्ड ही लग रहा है इसका। इसका मतलब है कि चेन के साथ ज़्यादा काम किया नहीं है उसने। बाकी तो बढ़िया है, फर्स्ट सर्विस हो गई गाड़ी की, मस्त। चल तो मस्त रही है अभी। हाँ, स्पीडोमीटर भी फटफट अपडेट हो रहा है, मतलब उसका रिफ्रेश इंटरवल बहुत सही है। सही, आई एम प्रीटी श्योर कि इसका इंजन का आवाज़ नहीं सुनाई देगा, बट क्वालिटी यार मेरे को नहीं मज़ा आया यार। जो इसका कंपोनेंट्स का जो क्वालिटी है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा है यार। वैसा गाड़ी को लाइट वेट रखने के लिए इन लोगों ने जो टी का जो ये होता है, जो नीचे वाला टी है जो, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब कर दी है यार। ऐसा लग रहा है जैसे चाइना कोई पेंट मार के दे दिया हो बस। इससे अच्छा तो हमारे यहाँ के लोकल शॉप्स वाले पेंट जॉब मतलब करते हैं इस पर। बहुत गंदा लग रहा है वो देखने में, और इसके जो फुट पैग्स हैं वो भी बहुत मतलब चीप लग रहे हैं देखने में, जैसे फिनिश नहीं है उन पर अच्छी। मिरर्स भी किसी काम के नहीं है, इतना कम विजिबिलिटी है कि क्या बोलूं। बट मानना पड़ेगा यार, इंजन बहुत स्मूथ। इसका सारा पैसा इंजन का, सारा पैसा इंजन का इसका। देख रहे हो क्या हैंडलिंग है बाइक की यार, वाह। इतना फास्ट रिस्पॉन्स है ना इसका हैंडलिंग को, बहुत सही है हैंडलिंग तो भाई अव्वल। अगर मेरे को हैंडलिंग में बोलना हो मतलब 10/10 है गाड़ी, जहाँ बोलो वहाँ जाएगी, ऐसा है। ज़ीरो एफर्ट्स, बहुत प्यारी। क्लच भी काफ़ी लाइट है गाड़ी का। मैं अराउंड 6 foot हूँ और मुझे गाड़ी चलाने में इतना कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा आगे लीन होके बैठा हूँ। एकदम कंफर्टेबल नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड नहीं है, और इसका पैर रखने का भी थोड़ा पीछे है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप गाड़ी के ऊपर बैठे हो, ऐसा फील होता है ये। बाकी तो बढ़िया है, सर्विस भी हो गई है काफ़ी अच्छी। कंसोल तो काफ़ी अच्छा है, रीडेबल है, बट ग्लेयर है इसमें, मैं दिख रहा हूँ इसके अंदर भी। हॉर्न स्विच और ये सब भी अपोजिट है इसका। बाकी गाड़ी तो बढ़िया है यार।
इसकी सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में अगर मुझे बात करना होगा तो मैं ऐसा बोलूँगा कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। मैं अराउंड 3 घंटे बैठा था, 3 घंटा इन लोगों को लगा फर्स्ट सर्विस करने के लिए, जिसमें एयर फिल्टर चेंज नहीं होता। उसने बोला एयर फिल्टर इसका शायद 5,000 पे चेंज होता है, जबकि मैनुअल में लिखा है कि 17,000 में चेंज होता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि स्टाफ को उतना नॉलेज नहीं है बाइक का। और ये थ्रॉटल फ्लिप है इसका, बोल रहा है कि ये सही है, इतना हिलना सही है बोल रहा है, जबकि मैनुअल में लिखा है कि मुश्किल से 0.5 सेंटीमीटर वो हिलना चाहिए, जबकि ये इतना और हिल रहा है पीछे। थोड़ा डिस्कनेक्टिंग फील होता है ये, देख रहे हो। बस और कुछ नहीं, ब्रेक्स क्लच बाकी सब सही है, ब्रेक्स भी काम कर रहे हैं, नई गाड़ी है भाई करेंगे ही। और स्विच काफ़ी अच्छा है इसका, फीडबैक अच्छा है स्विच का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 100 किलोमीटर्स के लिए बोलेगी, अरे बाप रे इसका इंडिकेटर कहाँ है, क्या फालतू बना है यार ये। मेरे ख्याल से 100 जाने के लिए इसे एटलीस्ट 2.5 लीटर फ्यूल तो लगेगा, 2.5 बताना चाहिए इसे, शायद थोड़ा और उसको रनिंग टाइम चाहिए मतलब समझने के लिए। बहुत स्मूथ है इंजन, और फर्स्ट से सेकंड जाते वक्त बिल्कुल भी खट खुट आवाज़ नहीं आती है इसकी, बहुत स्मूथ है। मेरे को यहाँ पे आदत डालना पड़ेगा कि मैं सेकंड गियर पे ही चलाऊँ, क्योंकि ये गाड़ी चलेगी सेकंड गियर पे। ओह माय गॉड, बहुत स्मूथ है यार गाड़ी, गाड़ी बहुत स्मूथ है, प्यारी गाड़ी है एकदम। ब्रेक पीछे का उतना खास नहीं है, आगे का मस्त है, आगे का तो 1 फिंगर पे काम कर रहा है, प्यारा है। हाँ लेकिन इसमें ना शोल्डर्स पे जैसे ये हो रहा है, वेट आ रहा है ऐसा फील हो रहा है, ये काफ़ी अजीब था। तो वैसे तो सस्पेंशन स्टिफ है, लेकिन ख़राब रास्ते में जाते ही वो सॉफ्ट हो गया, मतलब इतना ज़्यादा मुझे मतलब मेरे स्पाइन पे जर्क नहीं आया, अच्छा था, नॉट बैड। 5वें गियर पे 30, ओ मैन, मास्टर ऑफ टॉर्क है भाई। ये आपको बोलती है कि भाई मुझे भगा, मुझसे कॉर्नरिंग कर, मुझसे ट्रैफिक में फिल्टरिंग कर। वो चेसी का जो इसका फीडबैक है बहुत सही है, और थ्रॉटल इतना हल्का है इसका कि मतलब मैं लिटरली अपने पाम से घुमा रहा हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मेरे CBR पे ऐसा करना थोड़ा हार्ड रहता है, और 250 पे तो पॉसिबल ही नहीं है, देख रहे हो, छोड़ के चला रहा हूँ आराम से, चल रही है, मस्त चल रही है। गियर पोजीशन इंडिकेटर कितना एक्यूरेट है मतलब, और मतलब लगने में टाइम ही नहीं लगता उसको, डाला यहाँ पे सीधा फट से बताता है, वरना RTR में थोड़ा टाइम लगता है उसको बताने में। याद रख सेकंड पे चल जाएगी, हाँ यार सेकंड पे 15 पे भी चलती है आराम से, 13-15 पे, बहुत अच्छा है इसका ये। ओ भाई 7 से भी उठती है भाई, प्यारी है यार, बहुत प्यारी गाड़ी है, 7 की स्पीड से सेकंड गियर पे आराम से उठ रही है, कोई नॉकिंग नहीं कुछ नहीं। फाइव पे तो ऐसे ही जा रहा है, थर्ड गियर 20 से उठ रही है आराम से, बहुत प्यारी एकदम उंदा गाड़ी है भाई, मज़ा आ रहा है। सच्ची बोलूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे 125cc की गाड़ी चला रहा हूँ, इतना मतलब उसका मैनेजेबल है पावर और टॉर्क ये सब।
भाई बहुत बेकार चीज़ है ये। प्यारी, बहुत प्यारी आवाज़ तो भाई, 5 के बाद आवाज़ शुरू होती है गाड़ी की। ओह प्यारा है, सस्पेंशन अच्छा है, मतलब फेंकता नहीं है सस्पेंशन। CBR का सस्पेंशन फेंक देता है ऊपर 150 का, इसका ये अच्छा है। ये बहुत गलत है यार, कैसे इंसान पकड़ेगा इसको। ओके, ये शायद से इसलिए दिया गया ताकि लोग मतलब हॉर्न बजाने से इतराने लगे कि यार कौन जाएगा उंगली रखने के लिए हॉर्न तक, वरना इंडिया में हॉर्न बहुत बजाया जाता है। डैम दैट्स अ नाइस जापानीज वे, जापानीज वे है ये, देख रहे हो कैसे घुस रही है कोनों कोनों में, सेक्सी नॉइस। फर्स्ट से सेकंड ईयर का ट्रांजिशन एक नंबर है यार, मज़ा आ रहा है। हाँ लेकिन मुझे मेरे हाथ पे स्ट्रेस लग रहा है, ये मतलब इस पूरे पार्ट में स्ट्रेस लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है ये जो रीडिंग है ये 10 किलोमीटर होने के बाद ही देगा। पाँच किलोमीटर चलाया अभी सिर्फ भाई, फोर्थ गियर पे भी चढ़ रही है यार 25 की स्पीड से, क्या है ये। और इसका इंजन ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है, मतलब छोड़ने पे गाड़ी घुस नहीं रही है पूरी अंदर, काफ़ी मतलब मीडियम से लो मीडियम मतलब इसका इंजन ब्रेकिंग है। CBR में मीडियम हाई के आसपास है, मतलब आपको वो फेंक देता है आगे छोड़ने पे इंजन ब्रेक अच्छा है। बट यस आई कैन फील द हीट, आई कैन फील द हीट नियर माई लेग्स। मैंने सैंडल्स पहने हैं, सॉरी फॉर दैट बट बता रहा हूँ, सैंडल पहने हैं और जीन्स है एंड आई कैन फील द हीट, प्यारी प्यारी हीट। चलो घर चलते हैं, फोर्थ गियर 30 की स्पीड पे और हम लोग ढलान चढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी। डैम मैन क्या ट्रैक्शन है गाड़ी का, वाओ लव दिस। ओह